गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर स्टार डायमंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन नई ट्रेनर को नई टॉपिक के साथ लेकर आएं और 12 बजे के ट्रेनिंग सेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। जैसे कि आपको पता है कि इस मंथ ट्रेनिंग सेशन के अलावा 12 बजे की सेशन में हर थर्सडे को एक नया शो हम कंपनी की तरफ से शुरू हुआ है, जो कि अन एक्सक्लूसिव 60 मिनट विथ डीएक्सएन क्राउन अम्बेसडर। ये जो शो शुरू हुआ है और मार्केट से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी उसमें से आ रहा है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज है सक्सेस स्टोरी के बारे में हम आज सुनेंगे। और जो स्पीकर है आज, जिनसे हम आज सुनेंगे उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, वो है हमारे सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर मोहम्मद हसनैन जी हैं। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे स्पीकर मिस्टर मिस्टर हसनैन जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर, आवाज जा रही है मेरी? जी, आवाज आपका बिल्कुल क्लियर है और अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनने के लिए। सो माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फाइटर, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली। आज के इस डीएक्सएन की लाइफ चेंजिंग मीटिंग में आप सभी लोगों का एज ए सीनियर स्टार डायमंड, एज ए डीएक्सएन मुजफ्फरपुर स्टॉकिस्ट और आपका छोटा प्यारा भाई खैर मकदम करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है। और मैं आज सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत क्या बताएं, वो बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर, सभी डीएक्सएन मेंबर्स का, मेरे कलीग्स का, मैनेजमेंट का, मेरे प्यारे गुरु जी लोगों का, मेरे टीम्स का, मेरे अपलाइंस का। और दोस्तों, डीएक्सएन में जब आए थे तो अभी बहुत बात करेंगे, बहुत कहानी हमारी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत परेशानियां को झेलने को मिला, तानाएं सुनी, बहुत सारी चीजें हुई। डीएक्सएन में कैसे आया, क्यों आया, कितना दिक्कतें हुई, कैसे लगा रहा, कैसे टिका रहा, कैसे सीनियर स्टार डायमंड तक पहुंचा, इस सारी राहों में जो परेशानियां आई हैं, वो परेशानियां को झेलते हुए, उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारी आप लोगों से विनती है कि हमारी कहानी को आज आप लोग सुनेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे, उससे सीखेंगे, क्योंकि तो मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। मेरे आपके घर में मेरे इतना बच्चा भी, मेरे इतना बड़ा आपका लड़का होगा, आपका भाई होगा, आपका बेटा होगा, सब कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होगा, कुछ करने की प्लानिंग में होगा, फ्यूचर में बहुत कुछ करने की प्लानिंग में होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सबके अपने सपने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, सब लोग उनके पीछे लगे होंगे, आप लोग उनके पीछे लगे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, जहां हमसे हो सकेगा कोशिश करेंगे देने का। तो सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बोल लीजिए, डीएक्सएन का एक दीवाना, एक जाबाज सिपाही हूँ। और बचपन में जब डीएक्सएन में आए तो बहुत सारे गुरुजी मिले, बहुत सारे अपलाइन मिले, सब लोगों से बहुत कुछ सीखने, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं डीएक्सएन में हूँ और हमारे गुरु जो बहुत सम्माननीय गुरु है, जिनका पूरी दुनिया में जिनके नामों का डंका बनता है, जिनको शेरे हिंदुस्तान कहा जाता है, शेरे बिहार कहा जाता है, जिनकी जिनकी कहानी को सुन करके, जिनसे सीख करके हजारों लाखों लोग आज डीएक्सएन में जिंदगी बदल रहे हैं, कोई और नहीं, अगर वो गुरुजी हमारे सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे तो बहुत बहुत आभार, वो कोई नहीं, कोई और नहीं, इस बिहार के, हिंदुस्तान के आन बान शान मिस्टर फिरोज आलम खान सर हैं। एक जोरदार ताली उनके लिए है, जोरदार ताली दोस्तों, क्योंकि तो उनसे बहुत प्रेरणा मिला, बहुत सीखने को मिला और डीएक्सएन में वो हमारे गुरु बने, ये मेरे लिए प्लेजर है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे रख लिया, मुझे अपना लिया, मुझे सरपरस्ती दिया, क्योंकि तो मैं किसी लायक नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त कि मैं डीएक्सएन में आया तो
कोई पूछता ना था, कोई जानता ना था, कोई पहचानता ना था, कोई लेता नहीं था, किसी को बताने जाते थे कोई सुनता नहीं था, लेकिन पता नहीं मीटिंग में जाते थे। और अभी क्या होता है डीएक्सएन में कि हम लोग मीटिंग में नहीं आते। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट करिए तो वो आता नहीं है। और वही पे वो एक देहात में कहावत है ना कि कृपा रुकी हुई है। कृपा कहाँ पे रुकी हुई है? डीएक्सएन में सफलता की कृपा कहाँ पे रुकी हुई है? तो यहीं पे रुकी हुई है कि आप मीटिंग्स में आइए। मीटिंग में जब आप आएंगे तो बहुत सारे अचीवर्स लोग, सक्सेसफुल लोग, सबकी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि इस दुनिया में हर एक लीडर का कहानी अलग है। किसी का कहानी, किसका कहानी कब आपको इंस्पिरेशन दे सकता है, किसका कहानी कब आपको लग सकता है, कब आपके दिले जान को झकझोर सकता है, कब वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक करंट पैदा कर सकता है। और उनकी बातों को सुन करके जब आप काम करना चालू करेंगे दोस्त, तो डीएक्सएन तो बहुत बड़ी हस्ती है। डीएक्सएन में इतना बड़ा करियर है, इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा सम्मान है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा, कितना 26-27 साल हमारी उम्र है, और बहुत बचपना में हम डीएक्सएन में आ गए थे, लगभग 7-8 साल पहले इसकी जर्नी शुरुआत हुई थी। और वो बचपना की तस्वीर मैं चाहूंगा थोड़ा शेयर कर, तस्वीर आप लोग देखेंगे तो बड़ा आपको मया लगेगा। उस फोटो को देखने के बाद हमें भी आज उस फोटो पे मया आता है, और मुझे भी उस फोटो पे। देखिए, ये मेरा एक फोटो है जो बचपन में मैंने डीएक्सएन स्टार्ट देख करके। दोस्त, लगता नहीं है कि यहाँ से यहाँ का सफर हो सकता है। आप इस फोटो को देखिए और इसको रखिए और लोगों को दिखाइए, अपने टीम में दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए। अगर आपका मेरे इतना बड़ा बच्चा है, भाई है, तो उसको दिखाइए। ऊपर से नीचे तक पूरा ढीला सिस्टम है। ना मेरी साइकिल दुरुस्त है, ना मेरे कपड़े दुरुस्त है, ना मेरा बॉडी दुरुस्त है। अभी देखिए मैं कितना फिट पार्ट, कितना चिकना चपारा, कितना हैंडसम, कितना अच्छा। पहले काला कलूठा, वेस्ट इंडीज का आदमी, कोई सुनता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था। कहीं मीटिंग्स में जाते थे तो हमें भगा दिया करते थे, दूर ही आगे आया दिमाग चाटने के लिए। फिर दिमाग चाटेगा, ये करेगा, वो करेगा, दिस दैट, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे तानाएं, बहुत सारे बातों को सुना। लेकिन पता नहीं डीएक्सएन में उस वक्त का दिमाग में बैठ गया था, लेकिन एक जिद थी। और बहुत सारे लीडर्स आपको आते होंगे तो बताते होंगे कि डीएक्सएन में और दुनिया में कहीं भी सफल होना है तो एक जिद पालो और उसके पीछे का एक कारण खोजो कि मुझे डीएक्सएन क्यों करना जरूरी है, मुझे डीएक्सएन में क्या अचीव करना है। वो सारे सपने का आप लिस्ट बनाइए, है ना। अभी अभी कल या परसों हमारी नव निर्वाचित अध्यक्षा, राष्ट्र देश की अध्यक्षा राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, उनकी बड़ा पीड़ादायक कहानी रही है, उसको भी मैंने देखा। और उनका स्टेटमेंट बड़ा प्रेरणा के लिए था, सब लोगों के लिए था, पूरे हिंदुस्तान के लिए था। और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई कि गरीब सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है ना। लेकिन हम लोग क्या होता है, यहाँ पे अगर लोगों को जाएंगे, मार्केट में निकलते हैं डीएक्सएन का प्रोडक्ट लेके या जो भी लेकर के, और लोगों को इसके बारे में बताना चालू करते हैं कि डीएक्सएन के जरिए आप हवाई जहाज उड़ सकते हैं, आपका सपना पूरा होता है, आप अमीर बन सकते हैं, आपका छत वाला घर हो सकता है, आपका मान सम्मान हो सकता है, आपकी इज्जत शोहरत हो सकती है, आपका नेम फेम हो सकता है, टिकाऊ करियर हो सकता है। टिकाऊ करियर बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्त, टिकाऊ करियर पे बहुत अच्छी बात हो सकती है। और यही डीएक्सएन करने का सबसे पीछे रीजन होना चाहिए हम सभी लोगों का, क्योंकि दुनिया में पैसा हर जगह से कमाया जा सकता है। हर लोग कमा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहां पे टिकाऊ पैसा नहीं मिलता है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ये हो, वहां पे आपको टिकाऊ पैसा नहीं मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और आपका इनकम घटेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, इनकम घटेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, लोग काम से निकाल देंगे आपको, तो बहुत सारी परेशानी होंगी। जब पैसे नहीं होंगे तो बड़ा दर्द दर्द का भटकना पड़ता है दोस्त। तो मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब मैं अपने स्टोरी पे चलूंगा दोस्तों, और स्टोरी पे चलूंगा। मेरी जो यात्रा है डीएक्सएन में, बहुत बचपना में आप देख ही लिए, मया लगता है दोस्तों फोटो को देख करके। अभी हमको लगता है कुछ दूसरा बच्चा हो तो खुद उसको लाड प्यार करे यार, बहुत परेशानी झूल झेल रहे हैं, बता नहीं सकते हैं। हमारा आप लोगों से दुआ है, विनती है, अपील है कि आप लोग और आपके बच्चे, आज तो हम चाहेंगे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो माता पिता है या यंगस्टर, खासकर यंगस्टर को और लड़के लड़कियां को आज का ये मीटिंग देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग अंधकार में है, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सबकी जिंदगी निकलते जा रही है, सबका टाइम बर्बाद होते जा रहा है, सब लोग फॉर्म भरने में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब पे भी आगे बहुत बात करेंगे, पूरी जिंदगी निकल जाती है दोस्त फॉर्म साइन करते करते।
क्या कर रहे हैं तो इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो जनरल कंपटीशन का, क्या कर रहे हैं तो बैंक का फॉर्म भर रहे हैं। यार 40 साल 35 50 साल 45 साल 38 साल ऐसे ही निकल जाता है और उसके बाद वहां पे लोगों को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, जॉब कम है, लेकिन हमारा मेंटलिटी नहीं बदल रहा है, हमारी सोच नहीं बदल रही है, हम लोग सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्त डीएक्सएन में आइए तो सबसे पहले अपना सोच बदलिए, जो दुनिया सोचती है उससे अलग सोचिए, बिल्कुल हट के सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, कुदरत संसार सारा पॉजिटिव एनर्जी उसमें आपको मदद करेगा, आपको सहयोग करेगा और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अपनी कहानी को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी कहानी आज से 7-8 साल पहले इस मुजफ्फरपुर की धरती से स्टार्ट हुआ था। सभी लोग डीएक्सएन में आते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के, कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर के, कुछ ना कुछ बीमारी को लेकर के। मुझे भी कुछ बीमारी हो गया था, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था और क्रॉनिक डिजीज हो गया था, शायद मैं बोल सकता हूँ। खैर जिंदगी मौत अल्लाह के जिम्मे है, उस पर मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते डीएक्सएन ना मिलता और डीएक्सएन को ना मानते या डीएक्सएन का प्रोडक्ट ना खाते तो हो सकता है कि आज दुनिया में ना होते। तो दोस्त डीएक्सएन ने मुझे जीवन दिया, डीएक्सएन ने मुझे जीवन दिया, इससे मेरा जीवन मिला, तो मैंने अपनी सारी जीवन अब डीएक्सएन की सेवा करूंगा, डीएक्सएन के नाम कर दिया है। मैं सारे लोगों की सेवा करूंगा, मेरे अपने हो, पराए हो, दोस्त हो, अहबाब हो, चचेरे भाई हो, डीएक्सएन में मेरे जितने भी चचेरे भाई है जिसको क्रॉस लाइन आप लोग बोलते हैं, मेरे डिक्शनरी में कोई भी क्रॉस लाइन नहीं होता है। मैं सबकी मदद करता हूँ जितना मुझे आता है, शरीर से, मन से, दिमाग से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, जो भी मुझे आता है मैं पूरी ताकत से, पूरी समर्पण से उनको सहयोग करता हूँ, उनको प्यार देता हूँ, उनको मान सम्मान देता हूँ। दोस्त तो मुझे हो क्या गया था कि लगभग इंटर में पढ़ाई कर रहा था और सेहत का बहुत प्रॉब्लम था और मुजफ्फरपुर के डॉक्टर माने जाते हैं कमलेश तिवारी, MBBS में बहुत बेहतरीन फिजिशियन माने जाते हैं, और मेरा लीवर का प्रॉब्लम हो गया था। होता क्या था कि मैं खाना खाता था वो खाना पचता ही नहीं था, बहुत एक तो गैस इतना बनता था, भूख नहीं लगता था, खाना पचता नहीं था, लैट्रिन में बहुत दर्द होता था पेट में, वो चुभन टाइप का बेहतरीन छटपटाते थे जैसे वो सांप को देखते हैं ना हरने के लिए वैसे हरते थे। घर में मम्मी पापा भाई बहन सब मेरी दुर्गति को, दुर्दशा को देख करके परेशान हो जाते, हैरान हो जाते, माँ दुआ करने लगती थी बड़ा लड़का है, या अल्लाह इसको क्या हो गया है, इसको ठीक कर दीजिए, ये है वो है, बहुत तरह की बातें होती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घर के बाहर मेरे हमको लोग डैना पकड़ के दूरा से उतारते थे, दूरा पे बैठाने के लिए या कहीं पे बैठाने के लिए, तो घर में थे तो भाई पकड़ के दूरा पे शाम के टाइम में बैठा दिया हमको, है ना। तो एक डीएक्सएन से जुड़ा हुआ आदमी, डीएक्सएन से जुड़ा हुआ आदमी उनका नाम मोहम्मद हैदर अली है, एक जोरदार ताली उनके लिए। मेरे घर के जस्ट सामने उनका घर था, तो वो मेरे दुर्दशा को, मेरी परेशानी को, मेरी प्रॉब्लम को देखते थे। तो वो क्या किए कि वहां से कई दिन तक वो देखे, वाचिंग किए, उसके बाद क्योंकि एक मुजफ्फरपुर एक शहर है और गांव में क्या होता है ना, गांव में पूरा गांव ही अपना घर होता है ना, गांव में आपका कौन घर है उससे कोई मतलब, किसी के यहाँ रहिए, किसी के यहाँ खाइए, सब चाचा दादा नाना नानी सब क्या है वहां, तो बस माहौल ही ऐसा है कि कुछ नहीं, तो गांव वाली माहौल यहाँ होती नहीं, यहाँ शहर में गेट बंद रहता है, अगल पड़ोसी से पड़ोसी को मतलब नहीं, क्या दुनिया हो गई है दोस्त, प्यार मोहब्बत बांटते चलिए। हम लोग तो बहुत किस्मत है कि डीएक्सएन मिला है और डीएक्सएन के जरिए आज जिंदगी बदली है, आज से लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मैं काम करता रहूंगा, अपनी आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा दोस्त। और तो वो आए, वो बताया कि हसनैन बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारा बहुत तबीयत खराब रहता है, ये है वो है, क्या हो गया है तुमको। बोले राजू भैया देखिए ना, उनका निक नेम जो गाँव वहाँ पे बुलाने वाला है तो राजू भैया करके बोलते थे, तो राजू भैया देखिए ना वो पता नहीं लीवर का हमको प्रॉब्लम हो गया है, खाना पस्ता तबियत बहुत खराब, सूख के लकड़ी हो गए, देह में जान नहीं, 35-40 केजी वजन हो गया था और सारे डॉक्टर्स फेल कर गए, कमलेश तिवारी जैसा लोग फेल कर गए, अच्छा अच्छा लीवर टॉनिक चलाते हो काम ही नहीं करता है। तो बोले कि हसनैन एक बात बताओ, तुमने दुनिया में देखा होगा कि दुनिया का हर चीज क्लीन होता है। हाँ दुनिया का तो हर चीज क्लीन होता है, घर गंदा होता है तो वो क्लीन होता है, कपड़ा गंदा होता है तो वो क्लीन होता है, यानी कि साफ सफाई होता है। तो बोले क्या कि हसनैन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही है ना, दुनिया अब पहले जैसी नहीं है, अब ये दुनिया में मार्केट में मौत के सौदागर क्या बेच रहे हैं हमें आपको पता नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चीज अब ओरिजिनल नहीं रहा, सब चीज टॉक्सिक हो गया है, तो हमको बाउंस करने लगे। हम उनका मुंह
देखने लगे टॉक्सिक हो चुका हो ना, जो हम टॉक्सिन जानते नहीं थे कि टॉक्सिन क्या होता है, तो बताया कि केमिकल है ना, जहर। हम कहे कि जहर, हाँ खेत में बड़ा खाद डाला जा रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सब डाला जा रहा है, सही में मार्केट में मौत के सौदागर क्या बेच रहे हैं हमें पता नहीं है। तो बचा कि हसनैन तुम्हारा लीवर में गंदगी जम गया है, तुम्हारे लीवर में टॉक्सिन जम गया है, उसकी सफाई तुम की हो। तो वहां पे हमको थोड़ा सा अंदर से लगा कि अरे तो बड़ा यूनिक बात बता रहा है, बड़ा अजूबा बात बता रहा है कि ये लीवर में टॉक्सिन जमा हो गया, ये लीवर में कचरा जमा हो गया, इसको कभी तुम साफ कियो। हम कह रहे तो नया बात है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ चला गया, मेडिकल साइंस तो इतना आगे चला गया है कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, पूरी दुनिया को विनाश कर सकता है। आप एटम बम देखो ना, लोग डर रहे हैं उससे, चांद पे चला गया है, चांद पे लोग चला गया है, लेकिन गैस जैसी बीमारी का परमानेंट दवाई नहीं है, परमानेंट दवाई नहीं। अगर गैस हो गई दोस्त तो जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, और हम लोग जब मजा करके मार्केट में बोलते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्त मजाक उड़ाने दीजिए, कल उनकी मजाक बनने वाली है। अभी 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 बहुत सारी बातें करना है, टाइम निकलते ही जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो राजू भी हमको बताया क्या कि हसनैन इसका एक कॉफी आता है, वो कॉफी का इस्तेमाल करो तू। तो हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगा, दूसरे लगा कि कॉफी का इस्तेमाल, कॉफी तो और गर्म होता है, देहात में क्या होता है ना कि आप सुनिएगा चाय पियो, आप पेट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, चाय पियो या कॉफी पियो तो क्या करेगा, तो और गर्मी करेगा, गर्मी करेगा तो क्या होगा, और दिक्कतें आएगी, और परेशानी होगी। ना ना राजू कॉफी पियेंगे तो बहुत परेशानी होगी। हसनैन वो उसका कॉफी नहीं है, वो लाल मशरूम का कॉफी है, वो संजीवनी बूटी का कॉफी है, वो गेनोडर्मा का कॉफी है। भाई लाल मशरूम, संजीवनी बूटी, गेनोडर्मा सब बाउंस पर मनाया जा रहा है, जैसे आप लोग जाकर के नए लोगों को बताते हैं, सब बाउंस करता है लोगों को, है ना, हमको भी बाउंस कर रहा था। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है देखेंगे, तो बोले कि कॉफी लेकर तुम पियो, ठीक है देखेंगे, पापा से बात करते हैं और अति करते हैं, सब बात हो गया, उसके बाद चले गए। उसके बाद हम भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, फिर दो तीन दिन बाद तो आदमी एक्सपर्ट था, समझ गया। फिर हमारा वो डैना पकड़ के, बाप पकड़ के एक दिन आया, ले गया अपने घर में, उसका रूम में ले गया, रूम में वो ब्लैक कॉफी पहले कूट में आता था ना, ब्लैक कॉफी बना अपना डब्बा रखे हुआ था, वहां से क्या किया कि वो एक ब्लैक कॉफी निकाला, घर में गया, सस्पेन में पानी गर्म करके लाया, दो शीशा वाला ग्लास लाया। देखिए वो कैसे समझाया डीएक्शन हमको, मतलब कितना उनका आभारी रहे और बता नहीं सकते हैं। तो कैसे डीएक्शन उन्होंने हमको, हमारे आंख के सामने सारा चीज बनाया, फिर बनाने के बाद गर्म पानी में पूरा पाउच डाल दिया है ना, दोनों को इधर उधर डाइल्यूट कर करके एक अपने लिया एक हमको दिया, तो पी लिए। तो हम भी देखे कि चलो कोई पूरा अच्छा चीज तो होगा नहीं, खराब चीज तो होगा नहीं, बहुत अच्छी चीज है, हम भी पी लेते हैं, अगला आदमी पी रहा है तो कोई जहर तो है नहीं, तो हम भी पिए। पीने के बाद बड़ा तिक्का तिक्का लगा, आदमी के सामने क्या बोले, जी जात के पी गए है कि नहीं, अब मरता क्या नहीं करता, अब दे दिया पीने के बाद। उसको जादू दिखाना था ब्लैक कॉफी का, है ना, वो ब्लैक कॉफी मैं दिखाना भी चाहूंगा। बाप रे बाप, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर, सबसे जानदार, इससे बढ़िया टॉनिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों लोग क्या बात करेगा, भाषण करने दीजिए, भाषण से पेट नहीं पड़ता है ना, डीएक्शन में जिंदगी बदलती है, उसका जीता जाता मिसाल महीन। मैं तो एक आदना, मेरा क्या औकात है, मेरी क्या हस्ती हो सकती है, आप बताइए ना, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका भाई हूं, मैं तो आपके घर का रहने वाला हूं, तो झूलन बाबा की तरह जिधर बुलाइए उधर झूलते रहते हैं, उधर घूमते रहते हैं, उधर भगवाते रहते हैं, हमारी क्या ये है। लेकिन करोड़ों लोग आज डीएक्शन से जिंदगी बदल चुके हैं। डीएक्शन में 12 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड 12 मिलियन, आप अंदाज लगाइए, 1 करोड़ 20-30 लाख 40-50 लाख हो, है ना, तो इतने लोग डीएक्शन से। बाप रे बाप, डीएक्शन तनी बड़ी हस्ती है, लोग आए बाय टाइम अनाप शनाप बोलता है। तो मैंने इसको इस ब्लैक कॉफी को पिया, देखिए दोस्त, और इसको दिखाइएगा आप लोगों को, है ना, ये बहुत बेहतरीन एकदम समझ। देखिए मेरा चेहरा पहले से कितना अच्छा हो गया है, गोल हो गया है, थोड़ा सा पहले से काला कल उठा थे एकदम, बड़ा अच्छा, सब इसकी देन है। मैं आज जो भी बोल रहा हूँ मेरे दिल से निकली हुई बात है दोस्त, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मार्केट में सब लोग, मार्केट में जितने भी कंपनीज वाले हैं, सब उनका जो अपना है, लेकिन सब अनाप शनाप बोल करके, इधर उधर बोल करके हमारे लोग, आज तो बहुत बात करनी थी, बहुत सारी बात करेंगे। तो प्रोडक्ट ये ब्लैक कॉफी से, तो ये पीने के बाद थोड़ा देर बाद क्या हुआ कि हमको पेट में हुआ क्या कि थोड़ा सा चुभन सा टाइप का होने लगा। थोड़ा देर बात करते चुभन टाइप का कहा होने लगा भाई, बोले तो देखिए ना हमारे पेट में थोड़ा सा काला कादो के तरह
काला काला एकदम कादू जो देखते हैं आप गांव देहात में, जितने भी देहात के लोग जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोगों को हमारा सैल्यूट है। डीएक्सएन देहात के लोगों की जिंदगी बदल रहा है दोस्त, गुर्बती बहुत देहात में है और मैंने भी कसम खाया है, मैंने भी बहुत सारे लोगों को सपना देखा कि गरीब को अमीर की तरफ लाना है, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम होता है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी बात को भी नहीं सुना जाता है, मेरी बात को भी नहीं माना जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सुनेंगे लोग जरूर सुनेंगे, थोड़ा वक्त लगता है दोस्त, घबराइए नहीं। ये नौ से नौ को हौ बनाने का भी, कौन आदमी है जो गया है और पहली बार बोला है, लोग ले लिया है, एक एक आदमी के पीछे दस दस बार दौड़ना पड़ता है, बीस बीस बार दौड़ना पड़ता है। अरे हम आपको खुद दौड़ाते हैं, हम नहीं दौड़ाए हैं क्या, आप नहीं दौड़ाए हैं, आप अपने सीनियर को परेशान नहीं किए हैं क्या, आप अनाप शनाप नहीं बोले हैं क्या, क्या लेव नहीं बोलता है, तो ये सब चीजें टाइम चलते जा रहा है, तो बहुत सारे चीज हम बहुत कुछ देना चाह रहे हैं ना, और कभी ऐसा मीटिंग लिए नहीं, ये दूसरी मीटिंग है। एक हमारे गुरु जी आदरणीय फिरोज आलम खान सर, उन्हीं का मैं क्रिएशन हूँ, उन्हीं का बनाया हुआ हूँ, एक बार वही थोड़ा सिखा दिए, उनका एक फाइटर चैनल है, उसपे मीटिंग मैंने दिया, तो रात में दिया, उस वक्त मुझे बहुत बुखार था उसमें भी, और ठंडे के टाइम में, तो मुझे उतना मीटिंग भी देने नहीं आता है, मैं मीटिंग देने का मतलब बोलने तो आता है, फिजिकली मीटिंग पूरा दे देंगे, लेकिन ऑनलाइन ये सब, या हमको उतना कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, दिखने में देखिए कितना अच्छा लगेंगे, अभी के युग का आदमी, और मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कोई चीज का नॉलेज नहीं है, मैं पागल की तरह बस प्रोडक्ट भरा, अभी यहाँ से मीटिंग खत्म होने करके मैं आऊंगा दोस्तों। खैर मेरी कहानी पे आइए, तो काला काला लेटरिन हुआ जीवन में, तो हमको लगा क्या, देखिए दिमाग को हिट किया हो, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो थोड़ा तो समझ में आता है कि अरे छिड़ा निकला, टॉक्सिन निकला। मैंने राजू भैया को फोन किया कि राजू भैया देखिए ना, कॉफियावा पी करके आए हैं आपके यहाँ से, तो काला काला लेटरिन निकला, तो बोला हसनैन जादू हो गया, सर्विसिंग हो गया बाबू, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। मैंने उनको बहुत दिया दुआ दिया कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र करे, और बाप रे हमको कॉफी ला दीजिए, और अच्छा लेटरिन करने के बाद बड़ा पेट हल्का, मम्मी बोले मम्मी खाना दे, तो वो मार भात बना करके ला करके दिए, क्योंकि यही सब खाते थे, मार भात बोला कहाँ मिलेगा, क्या खाइएगा, लीवर फेल, कहानी खत्म, कमलेश तिवारी बोल दीजिए थे जेल ले जाइए डॉक्टर के पास, एम्स में ले जाइए, किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा। लेकिन उसके बाद भी गांव देहात में क्या होता है ना, अंग्रेजी दवाई से तो ठीक नहीं हुआ, लगभग चार पांच साल तक इलाज चलता रहा उनसे, ठीक नहीं हुआ, तो आदमी क्या होम्योपैथिक में ट्राई करता है, वहां भी ठीक नहीं हुआ, लास्ट में हमारी दादी जो है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादी पोसे पाली हुई है, तो बड़ा पोता है घर में, सबसे बड़ा लड़का हम ही है, तो रोने उने लगी, अब वो थोड़ा जो है ना देहाती आदमी समझता है, वो क्या करती थी, ओझा गुनी पर बड़ा उसको भरोसा, उसको एक चींटी भी काट ले तो फलाना ओझा, तो फलाना गुनी के पास वो हमारी दादी पूरा वो बर्बादी कर दी। अगर गांव में एक दरबार में हम रहते, हमारे दादा के पास जितना पैसा था लगभग 100-150 बीघा जमीन होती, लेकिन दादी वो जीप बुक करती थी और पूरा उस एरिया का ओझा गुनी, और पीर साहब मौलाना का उसको अड्डा पता था, वो एकदम रोने काने लगी, मम्मी पापा को हरान, पूरा गांव में जाकर के बवाल मचा दी, हमर बउआ न बची, हमर लड़का न बची, ये सब मुबा दिए, पूरा मौलाना पीर साहब सब हार गए उस दौरान, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम किस चीज का है, प्रॉब्लम शरीर के अंदर है, तो उसमें मौलाना साहब क्या करेंगे, पीर साहब क्या करेंगे, और उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सही दवाई नहीं मिल रही है, तो कहां से ठीक होगा। तो दोस्त मैंने उस वक्त पढ़ाई कर रहा था इंटर में, मैंने इसका ब्लैक कॉफी पिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं मंगा मंगा करके पीता गया और लगातार पीता गया, पीते पीते आज लगभग 7-8 साल का सफर गुजर गया है, और मैं ब्लैक कॉफी का दीवाना हूँ, और स्पाइस टी का, मैं रात में स्पाइस टी पीता हूँ और दिन में जितना हो ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी मेरे घर में 2-4 रिजर्व रहेगा। अगर आपको लगती है झूठ, मेरा नंबर कहीं से भी ले लीजिएगा, सारे लोग के पास है, या नेट पे हसनैन डीएक्सएन हेल्थ केयर मेरा एजेंसी है, वहां पे डाला हुआ, वहां से ले लीजिएगा, जिनको भी भरोसा नहीं होगा तो आप फोन करिएगा, मैं दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं डीएक्सएन में कब तक प्रोडक्ट खाए के होता है, बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, कब तक खाए के होता है, जब तक जिंदगी है तब तक खाना हो, नहीं खाइएगा तो मरेगा कैंसर से, बीपी से मरेगा, मंकी पॉक्स, अभी देखिए ना मंकी पॉक्स अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ये घोषित हो गया है, WHO कर दिया है, कोरोना से बड़ा महामारी आने जा रहा है, और मजाक समझ रहा है लोग, इम्यून सिस्टम का आपका क्या हाल हो गया, आपका अंडर का डॉक्टर फेल है, दीदी लोग जो भी टेप्पा छाप जुड़े हुए हैं वो सुने, आपके शरीर में अल्लाह ताला ने भगवान ने एक डॉक्टर दिया है, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति, देहाती भाषा में अंदर के डॉक्टर, फेल हो गया, इतना जहर खाए, इतना कचरा खाए, दिन भर तो 24 घंटा जहरे खाते हैं, कचरे खाते हैं, अनाप शनाप जो मिला डाल करके डाल दिए, तो क्या हाल होगा,
50 की उम्र में, 30 की उम्र में, 50 का जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहे हैं जहर खा करके। डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने के लिए टॉक्सिन निकालेगा, गनोडर्मा के अंदर इतना पावर है, इसके अंदर छाड़ से सब पोषक तत्व है, सेल की सफाई करेगा, टॉक्सिन निकालेगा, रिपेयर, तब तक खाना बीमारियां ठीक हो जाए, तब तक खाना होगा बीमारियां ठीक हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे फिर मरेगा। डीएक्शन का प्रोडक्ट तब तक खाते रहना है जब तक आप टॉक्सिन लेना बंद ना कर दें। जिस दिन बंद कर दीजिए उस दिन डीएक्शन की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन अब बंद होगा टॉक्सिन, ये हवा में जहर, पानी में जहर, खाना में जहर, ये मार्केट में मौत के सौदागर क्या बेच रहे हैं आप? हम आप गांव में जाकर के ये बात को हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, जाकर के मीटिंग दीजिएगा, मजाक उड़ाएगा, अनाप शनाप बोले चल थी ना फलना डॉक्टर साहब, चलो ये फलो दवाइया सारा ठीक कर देते, तुमको तो नॉलेज नहीं है, तुम्हारे किस्मत में नहीं है, तुम्हारी बदकिस्मती है कि गेनोडर्मा तुमको मिला नहीं है। अरे यार करोड़ों लोग यहाँ से जिंदगी बदल चुका है गेनोडर्मा से, तो मैंने इसको खाया, खूब खाया, और दोस्त डीएक्शन में सफल होना, आज सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं तो सुनिए, डीएक्शन में सफल होना है तो लोग पूछते हैं हमसे, बहुत सारे लोग मेरे स्टॉक पॉइंट पे आते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं, और खास करके डीएक्शन में अभी जितना अभी नया नया निकल गया होगा उनसे जान पहचान नहीं है, लेकिन 5-7 जैसे हम हो गए, रोशन सर हो गए, कुंदन सर हो गए, अभी प्रिंस जी हो गया, ये सब 10-20 लड़का जो यंग 20-25 साल के अंदर में सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल का ये कतई ही मतलब नहीं है कि आपके पास लाखों रुपया आ रहा है तो आप सक्सेसफुल है, आप सक्सेसफुल के लिए बहुत मीटिंग हो सकता है और बहुत मीटिंग दे सकते हैं, कई एंगल से दे सकते हैं। सक्सेसफुल होना सिर्फ पैसा है, खाली पैसा आ रहा है, आपके शरीर में हो गया कैंसर, आपको हो गया बीपी, मिठा बंद, तीखा बंद, आप क्या सक्सेसफुल है, क्या मजा ले रहे हैं? बहुत सारे आपके पास टाइम का फ्रीडम नहीं है, आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो सब डीएक्शन में ही एक्चुअल सफलता है। मेरे हिसाब से डीएक्शन में ही एक्चुअल सफलता है, क्योंकि यहाँ सफलता का जितना भी क्राइटेरिया है, वो सब फुलफिल करता है डीएक्शन में। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत शोहरत मिलेगी, सबसे बढ़िया सेहत मिलेगी, दुनिया के सबसे बड़ी दौलत सेहत है, अरबों खरबों रुपया में आप सेहत को खरीद नहीं सकते हैं, आपका जो ये बॉडी है अरबों खरबों रुपया का, अरबों खरबों का तो नहीं अनमोल ही मान लीजिए, लेकिन इसका एक अंदाजा लगाया तो 450 करोड़ रुपया का आपका बॉडी है। घर बनाते हैं डेली सफैया चलता है, डेली पेंटिंग पचारा है, 5 लाख का घर है तो, 10 लाख का घर है तो क्या इसका कौन डेंटिंग पेंटिंग करेगा? देखिए कितना चिकना है, कितना मस्त है, कितना सॉलिड है, सब डीएक्शन की ताकत है, ये सब डीएक्शन प्रोडक्ट है। खाएगा ये नहीं तो कौन सुनेगा, आप खाएंगे नहीं तो कौन सुनेगा? मैं 10,000 का खाता हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी इनकम नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग सभी देहाती लोग जुड़े हुए हैं, देहात में वो कहावत है हहास खा जाता है ना, अभी मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए होंगे, चुप चुप के मीटिंग सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह डाल दिया था, मेरे अपने भी सुन रहे होंगे, मेरे ऑफलाइन डाउनलाइन सब लोग सुन रहे होंगे, तो मेरा जीवन दोस्त बड़ा उतार चढ़ाव करा है, वहां पे हम जाना नहीं चाहते क्योंकि हम रोने लगे है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैंने जो पीड़ा झेला डीएक्शन के सफर में वो अभी बताएंगे थोड़ा सा आपको, आपको भी बहुत उससे ये प्रेरणा मिलेगी, तो मैं वो इनकम नहीं बताऊंगा डीएक्शन का, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ इस चैनल पे हैं और बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ आता होगा, थोड़ी सी काबिलियत होगी, तो ही कोई मुझे बुलाया है या कंपनी ने इन्वाइट किया है, तो मैं अच्छा इनकम आता है, लेकिन आप लोग भी क्या है कि हहास खा जाता है लोग, यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होगा, 10 गो हमको फोन करने लगे, मैंने कई बार आप लोग बोलते हैं मेरा टीम काम नहीं करता, मेरे इतना टीम किसी का नहीं टूटा, उस पे आएंगे है ना, मेरे इतना टीम किसी का नहीं टूटा, आप चाहते मेरे जगह पर दुनिया का कोई भी आदमी डीएक्शन नहीं करता, मेरा 1-1 लाख पीवी गया हुआ 7-8 लाइन टूट चुका है, जो 0 पीवी होता है, इसको इसको समझना है, ये मैं अपनी निगेटिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने डीएक्शन में टिका रहा, क्यों टिका रहा, क्योंकि डीएक्शन बड़ा कैरियर है, अब बड़ा कैरियर है, अभी समझाने के लिए अब कौन समझा भाई, अब कैरियर समझाने के लिए बोर्ड चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रोफाइल चाहिए, लेकिन कैरियर का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, मेरा बनाया हुआ ये चीज है कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ते रहना चाहिए दोस्त, दुनिया में किसी काम में इनकम नहीं बढ़ती है, सिर्फ डीएक्शन में बढ़ता है, और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर फंस जाते हैं, मैं समझाते रहता हूँ, मैं बोलते रहता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ जाकर के, भाई मत फंस, दीदी मस्त बातें नहीं सुनेगा, अब बर्बाद हो जाता है, रोने लगता मया है ना, हम लोग जाकर के बोलते हैं, हमको कहें हंसने, आप तो सफल गए, आपको तो इतना पैसा आता है,
आपका तो इतना मान सम्मान, आपका देखे हैं फेसबुक पर फोटो, उतना उतना भीड़ में आपका फोटो, आप हवाई जहाज पर उड़ रहे थे, और उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे का छाला, आपको और हमको ऊंचाइयों पर देख कर हैरान है बहुत लोग, परेशान है बहुत लोग, हैरान है बहुत लोग, परेशान है बहुत लोग, पीड़ा में है बहुत लोग, दर्द में है बहुत लोग, लेकिन इसके पीछे के छाले उसने नहीं देखे, मेरे पैर के छाले किसी ने नहीं देखे हैं दोस्त, मेरा पैर का छाला अगर देख लेते, और आप सब लोग भी काबिले मुबारकबाद है, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, जो भी डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्त, बिना मेहनत का दुनिया में कुछ नहीं है, हवा पानी और लफबाजी से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, डट करके मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बार बार मीटिंग में बोला है, कई बार बोला है, ये शरीर है और ये नश्वर है, आप लोग भी समझिए, थोड़ा इमोशन में आइए, थोड़ा अपने ब्रेन को यहाँ हाजिर कीजिए, ये शरीर नश्वर है, इसको बार बार मैंने मीटिंग में बोला है, और रहती दुनिया तक इसको याद भी रखा जाएगा, हो सकता है ये दुनिया है, यहाँ किसी का परमानेंट रहने की जगह नहीं है, आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो दोस्त मेरी ये मीटिंग रहेगी, और आप याद करिएगा, लोग याद करेंगे, आने वाला जनरेशन याद करेगा, मैंने बार बार कहा है कि ये हमारा शरीर है, ये नश्वर है, इसको पोस के रखोगे तो भी इसको 6 फीट नीचे ले जाके कार देगा लोग, नहीं तो इसको आग लगा देगा, इससे खटवाओ, इससे मेहनत करो दोस्त, फील्ड में निकलो, लोगों से बातें करो, तानाएं सुनो, बिना बात किए हुए, बिना मजाक उड़वाए हुए, बिना अनाप शनाप सुने हुए कैसे आप अमीर बनेंगे, सोचिए ना, ऐसे ही पूरी दुनिया में 5% लोग अमीर है, तो क्या वो ऐसे ही अमीर है, उन्होंने कितना दर्द झेला है, कितनी तनाएं सुनी है, कितनी परेशानियों को झेला है, दोस्त मेरी परेशानी की बात करते हैं, मैंने डीएक्शन में आया, प्रोडक्ट फायदा किया, बहुत अच्छा लगा, जिंदगी मिली, पूरी सेहत सुधर गया, मैंने पागल की तरह, मैं एकदम अगला पगला सगला मगला टगला जो कहिए एकदम जैसे सुराहा की तरह करना चालू किया, मेरे पास पैसे नहीं दोस्त, और सेहत तो मिल जाती है दोस्त, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे आपके गांव में घर में लोग समझते नहीं है, और मेरी बहुत बदकिस्मती तो नहीं बोलूंगा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरा कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं किया, मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे अड़ोसी पड़ोसी है ना, मेरे अपलाइन का मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं कहीं कहीं बोलता हूँ तो यहाँ पे खबर आ जाता है, लोग बोलता है यह सिनेमा जो है जाकर के खाली अपना अपलाइन का शिकायत करता है, फलना करता है, चिल्ला करता है, दोस्त एक अपलाइन छोड़ करके मौलाना सर को भी प्रोडक्ट देते थे, उसके अलावा किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करता था, बहुत चीज हमको मतलब क्या बताएं, बताया पार नहीं लगता है, उसमें बहुत वक्त लगेगा, कभी फिजिकली मीटिंग लाइव मीटिंग सुनने का मौका मिलेगा तो उसमें बताएंगे, ऐसे अभी कोशिश करेंगे, टाइम है मेरे पास बताएं, क्योंकि बोलना बहुत है और टाइम निकलते जा रहा है, चाह रहा है कि कितना दे दे, है ना। तो दोस्त रिएक्शन की जब सफर स्टार्ट हुई थी तो एक साइकिल हुई थी जो फोटो आप देखे थे, और मेरे पास पैर नहीं था, है ना, लेकिन कैसे भी हमारे ऑफलाइन का स्टॉक पॉइंट था, वहां पे उधारी खाता पर एक पेस्ट लेके मैं 40-40 किलोमीटर, क्योंकि इसका जादू देख लिया, इसकी मीटिंग में सुना, अभी मीटिंग बहुत कहानी पीछे छूट गए, डॉक्टर सरवर हुसैन की मीटिंग में गए, है ना, तो डॉक्टर सरवर हुसैन प्रोफेसर डॉक्टर सब कुछ है, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां, बहुत सम्मानीय डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर है, और फाउंडर मेंबर बिहार भी है वो, अभिरंजन सर लोग हैं, फिरोज खान सर लोग हैं, सब लोग बहुत सारे लोग हैं ना, तो सब लोग बहुत सम्मानीय है, और सब लोगों ने खून से सींचा है डीएक्शन को, किसी की मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता है, हमारी आपकी सोच अलग हो सकती है, हमारा आपका विचार अलग हो सकता है, विचार का मतभेद हो सकता है, लेकिन और चीज का मतभेद नहीं हो, मन मतभेद हो सकता है, मन भेद दोस्त कभी नहीं करना, और मैंने हमेशा सबकी सेवा करा है, और आखिरी सांस तक करता रहूंगा, और मेरी जिंदगी सेवा, डीएक्शन स्टार्ट किया साइकिल से 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर अपने लोगों के पास, स्टार्टिंग में आप लोग भी यही गलती कर, मुझे भी नॉलेज नहीं था, कोई मीटिंग देने वाला नहीं था, तो अपने लोगों के पास गया मैं, और पेस्ट के बारे में बताया, चला गया कोई रिलेटिव नाम क्या बोले जाकर के उनको पेस्ट के बारे में बताया, तो अपना पेस्ट तो यूनिक है, पेस्ट तो लोग गांव देहात में क्या था, मुंह धोने वाला, अब उसको बताते थे मुंह धोने वाला, पेट से कट गया तो लगा दीजिए, जल गया तो लगा दीजिए, छिल गया तो लगा दीजिए, माथा में दर्द है तो लगा लीजिए, सिर्फ की तरह इस्तेमाल कर लीजिए, इमरजेंसी में घोल के भी पी सकते हैं गैस, इमरजेंसी में हमेशा उसका इस्तेमाल ही कर रहा है, फेसियल करना है फेसियल कर सकते हैं, दाग धब्बा के सब बताते थे, ऊपर से नीचे देखना, बाप रे बाप, एक वो पेस्ट मुंह धोने वाला से सब ठीक हो जाते, दाम सुनकर तो बाप रे बाप, सिर पकड़ के बढ़ जाता था, कोई नहीं लेता था, अरे बताइए डीएक्शन में कोई नहीं लेता था दोस्त, 6 महीना तक, उस वक्त जिस वक्त हम डीएक्शन में आए थे उस वक्त 10,000 पे भी करने के बाद कोड फ्री था, तब आप किसी को ज्वाइनिंग लगा सकते थे,
और कोई नहीं लेता था, बहुत परेशानी होती थी। और दोस्त मैं एक चीज बता देता हूँ, इसको आपको समझना है, बहुत सारे लोग डीएक्शन में अपने स्पॉन्सर का रोना रोते हैं कि हमारा स्पॉन्सर साथ नहीं देता है, मेरा अपलाइन साथ नहीं देता है। एक चीज जरूर है कि गुरु बनाओ दोस्त। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजी आदरणीय फिरोज आलम खान सर है, जो मतलब क्या उनको, मेरे पास वर्ड नहीं है कि उनको मैं क्या बोलूं, मतलब बेटा से भी ज्यादा मानते हैं, है ना। और जब भी जरूरत होता है बड़ी सिखाते हैं, बड़ी प्यार से सिखाते हैं ना, तो वो है। लेकिन वो बना, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन वो बना लिए, रख लिए, मेरे लिए प्लेजर है, मेरे लिए सौभाग्यशाली है। तो आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है, और गुरु के अंदर तीन क्वालिटी देखना है, ईमानदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए और शानदार, ईमानदारी होना चाहिए और जानदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे दोस्त, गलत रास्ते दिखा देंगे बहुत सारी, उस पर भी बहुत बात होगी तो ये होगा, है ना। तो मेरे अपलाइन में मैंने कभी भी किसी भी अपलाइन को कहा नहीं, ये उनकी भी गलती नहीं कह सकते, मैंने कभी भी किसी भी अपलाइन को नहीं कहा कि चलिए साथ फील्ड में मीटिंग दीजिएगा, सोचिए। और मेरा डायरेक्ट सीनियर डीएक्शन में नहीं है, मेरे सीनियर के ऊपर का सीनियर सुई भोंकने का काम करता है गांव में। बाप रे बाप, तो ऐसा भड़काया मेरे सारा दोस्त को, एको गो आदमी डीएक्शन में नहीं आया, इसीलिए हमको और कभी कभी अंदर से टेम्पर चढ़ जाता है। और अगर भविष्य में वो आदमी, अगर आज के डेट में वो पीवी करे तो 10-20 का आएगा, है ना, जो वो सुई भोंकता है। क्यों भड़काने लगा, क्योंकि अपना प्रोडक्ट परमानेंट सोल्यूशन करता है। तो बहुत सारी चीज है उसके ऊपर, बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो मैंने उनको कभी बोला नहीं कि सर मीटिंग करने के लिए। अकेले गांव में जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, अनजान जगह पे जाते थे, लोगों को बताना चालू किए, कोई आदमी नहीं सुनता था, कोई नहीं लेता था, अजाक मजाक उड़ाता था, और पीछे का फोटो देखते थे, स्कैनर गाँव गया, बुरा बुरी स्कैनर मशीन होता है, ऊपर नीचा निकालेगा, हमको क्या बोलता था जानते हैं, ऊपर से नीचा निहारने के बाद बोलता था, बुआ तेरा माए बाप कैसा है, इतना कम उम्र में चाय बेचने का धंधा में लगा दिया। तो बड़ा हमारा दिमाग अथी हो जाता था कि अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता था, माए बाप कैसा है कि चाय बेचने के धंधा में लगा दिया। हमको समझ में नहीं आता था कि चाय बेच के करोड़पति बनेगा, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आता था कि चाय बेच करके करोड़पति बनेंगे, अपना सपना पूरा होगा, ये होगा, वो होगा, तो सुन लेते थे, जवाब देने नहीं आता था। हम कहते थे चाची छोड़ना या चाचा छोड़ना, लगा दे ले माए बाप, चाहे जो तुरा फायदा हो तो लेके खो, है ना, ये उसको दूसरे बोलना ही नहीं आता था, या कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो क्या बोले। अभी तो हम अभी तो इतना बोलेंगे इतना इंग्लिश बोलेंगे कि परेशान हो जाइएगा आप लोग, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो मीटिंग में आने से नॉलेज हुआ, तो कोई आदमी मेरा नहीं सुना, तो मैंने क्या किया, प्लस उसमें बहुत कहानी हुई, बहुत पंचायत पंचायत तक मेरे ऊपर हुआ, घर पे कंप्लेन तक हुआ, मतलब बता नहीं सकते हैं, घर पर कंप्लेन, मम्मी पापा सेहत तो मिल गए, सब जानता है कि डीएक्शन से ही इसको सेहत मिला है, आज भी जानता है सब, लेकिन पढ़ाई छोड़ दिए। यंगस्टर अगर कोई सुन रहे हैं दोस्त, आप फॉर्म भरते हैं, मैंने फॉर्म की भी बात कहा है, टाइम ही निकलते जा रहा है, 12:41 हो गया, तो यंगस्टर फॉर्म भरते हैं लोग, मेरा हमको देखो, मैंने डीएक्शन में आया, इंटर में पढ़ाई कर रहा था, मैंने इसका करियर देखा, इसका भविष्य देखा, सर वो क्या नाम है, सर्वर हुसैन सर पूरा वो मीटिंग दे रहे थे, उसमें बताया, वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रिजाइन कर दिए रिएक्शन के लिए, आजमेटिक पेशेंट से मुंह से खून उल्टी आता था, हमने 3-in-1 कॉफी कहीं पर होगा, 3-in-1 कॉफी पिया, डॉक्टर नीलेश आके मीटिंग में गए, वो 3-in-1 कॉफी पिए, अच्छा लगा, इसका करियर समझ गए, उन्होंने भी काम करना चालू किया, उन्होंने भी बाहर जाकर के काम करना चालू किया, उन्होंने अपनी सारी कहानी को बताया, तो मैं वहां पे बहुत इंस्पायर हुआ। लास्ट में मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने उनको जाके कहा, सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, हम आपके बेटे की तरह है, और डीएक्शन में बहुत सारा नेटवर्किंग सेटवर्किंग कंपनी सब होता ही है, मार्केट में ठग हुई है, वो बहुत सारा हम भी अनाप शनाप सवाल किए, है ना, तो हम बोले सर आप हमारे सर पे हाथ रखे बोल दीजिए कि बेटा ये बहुत अच्छा कंपनी है, ये फंसे फंसावे वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी दिल लगा के काम करेंगे, पूरी जान लगा करके काम करेंगे। और दोस्त उस दिन से पूरी दिल लगा करके काम किए, जान लगा करके काम किए। और दोस्त डीएक्शन में काम क्यों किए, क्योंकि मीटिंग में गए तो देखे बड़ा बड़ा आदमी को, और उस पर सम्मान मिलता, मला उला पहनाया जाता है, स्टेज पर नाम बोला जाता है। तो मेरी बचपन से सपना थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। जब मेरी बचपना थी तो मैं जब गांव में होता था तो मैं मैच का दीवाना था, मैं क्रिकेट का बहुत दीवाना था, बाप रे बाप कितना बवाल होता था, ट्रैक्टर का बैटरी हम तो कर देते थे मैच देखने के चक्कर में, खास बाप रे बाप पर मैच चलता था पहले के जमाना में, ट्रैक्टर के बैटरी पर जो पहले बैटरी ला ला करके हम लोग मैच देखते थे। तो मैच देखते देखते हमको दिमाग में क्या आता था कि हम लोग वहाँ पे कैसे खेलेंगे, हम लोग वहाँ पे कैसे जाएंगे, हम उतना आदमी मैच में देखते ना, खूब आदमी इसी से करके ताली बजाता है स्टेडियम में,
बहुत मान सम्मान होता है, टीवी पर आता है, तो बचपना में लगभग 14 साल 16 साल की उम्र रही होगी तो उसमें ताकत था कि हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे, तो लोग से पूछते थे और बहुत सारे उम्र वाले लोग हमको बुला बुला करके पूछते थे मजाक उड़ाने के लिए। बच्चा 12 साल 14 साल का बच्चा, हसनैन तू बड़ा होके क्या बने, हम सचिन तेंदुलकर, देख ले छोड़ा सचिन तेंदुलकर, यानी कि मजाक उड़ाने के लिए जिसको मन नहीं लग रहा था दस ग्राम बुला करके मजाक उड़ाता है ना। उसके बाद क्या नाम है, क्रिकेट का मैं हम प्रैक्टिस करने लगे मुजफ्फरपुर में आकर के, फ्यूज का है ना, उसमें भी बहुत परेशानी हुई, सब बॉले ढुवाता था, उम्र बढ़ती गई तो देखे कि इसमें नहीं होगा, तो फिर सोचे कि अरे फिल्मी एक्टर बनना ठीक है, फिल्म में जाएंगे तो खूब मान सम्मान होगा, वहाँ बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा सब मिलता है, बहुत एकदम बॉक्सिंग बॉक्सिंग करते हुए बहुत सारा चीज होता है वहाँ पे है ना, फिल्म बड़ा चकाचौंध वहाँ पे जिंदगी होती है। तो बाद में हमको थोड़ा सा नॉलेज हुआ तो लोग बोला कहा कि मुस्लिम में फिल्म में जाने में हराम है, नाच गाने का पैसा नहीं, तो वहाँ से और दूसरा चीज की ऐसा करिया कलुटा मुंह देख लेना, नहीं भगवान ठीक से नाक कान बनाए नहीं, कौन फिल्म में हमको लेगा, हमको कुछ आता ही नहीं है, मजाक करने का है कथी आया अंदर अंदर में आत्मा सोच पे ये जाने का, तो देखे क्या कि ये सारा चीज तो नहीं हो रहा है लेकिन हलाल तरीके से अच्छे तरीके से में ऐसा मान सम्मान हमको मिल सकता है। तो मैं वहां से फिर काम अभी मैंने सोचा टीवी पर आया, अभी टीवी पे कितना लगभग 160 70 80 लोग कनेक्टेड है, 200 लोग कितना लोग है पता नहीं, तो सब देख रहे हैं टीवी पे, एक छोटा सा बच्चा, ये रिएक्शन की देने मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं एक रिएक्शन का अदना सा सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मैं रिएक्शन का काम करता हूँ और ता जिंदगी करता रहूंगा। दोस्त आप बहुत सारे मेरे जिंदगी में, बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में मिले और मेरी टीम के लोग बोले कि सर, मैंने किसी को कहा आकर के मुझे बोले कि सर साक्षात्कार शंकर भगवान भी आ जाएंगे और बोलेंगे कि तुम डिएक्शन छोड़ दो, तो मैं डिएक्शन नहीं छोड़ूंगा, आप इसका प्रोडक्ट लाजवाब है, इसका सिस्टम लाजवाब है, इसका सब कुछ बेमिसाल है, इसका सब कुछ जानदार है, इसका सब कुछ शानदार है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो कभी नहीं सोचे थे वो मिलेगा, वो आदमी डिएक्शन। आप सोचो इतना भरोसा देने के बाद लोग भरोसा को तोड़ता है ना, और वो आज डिएक्शन में नहीं है। तो हम बार बार अब मीटिंग में या कहीं भी बताते हैं डीएक्शन को ना पकड़ना है ना छोड़ना है, डीएक्शन को ना पकड़ना है ना छोड़ना है, इसमें टिके रहना है और करते रहना है और लार करते रहना है, किसी भी हाल में दोस्त डीएक्शन को नहीं छोड़ना है, और इस दुनिया में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है सिर्फ आपके सिवा है ना। आप सुबह उठे और खुद अपने आप को मोटिवेट करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी डीएक्शन के मैनेजमेंट का, चुन चुन करके आपको लीडर्स ला करके यहाँ पे दे रहे हैं आपको सिखाने के लिए। हर आदमी अपनी स्टोरी बताता है, अपनी कहानी बताता है, अपनी परेशानी बताता है, वैसा परेशानी आपके साथ होगा तो आप उनकी परेशानी को सुन के इंस्पायर होंगे, इंस्पायर होकर काम करेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आपके सपने पूरे होंगे, सारा चीज होगा, लोगों को दुआ मिलेगी। बहुत मुश्किल से दोस्त यहाँ पे टाइम मिलता है लोगों को, बहुत सारे लीडर्स टाइम नहीं देते हैं, इसलिए अपने लोगों को जुड़ाइए, अपने लोगों को बताइए, बता करके सिस्टम में लाइए, क्योंकि कब किसका बात किसका मीटिंग किसको लग जाए वो किसी को पता नहीं है, और इस दुनिया में हर आदमी का कहानी हर आदमी का स्टोरी अलग होता है, किसका स्टोरी। अब बहुत आदमी हमसे पूछते भी है कि डीएक्शन कैसे करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, कोई बहुत बहुत बड़ा जिसे बुझाता है डीएक्शन में क्राउन इन्वेस्टर बनना ये करना वो करना, ये सब कैसे होगा क्या, कुछ नहीं करना है, खाना है और बताना है, खाते ही नहीं है कोई आदमी, नहीं खाता बीमारी के लिए खाता है, बीमारियां ठीक हो गया तो नहीं खाता, तो फिर होता है तो फिर बदनाम करना, ही ठीक हुआ तो बदनाम करता है, उस पर कितना बात पे जाएंगे, हम क्यों खाते हैं, हमको कैंसर है, हमको बीपी आके नपा लीजिए, तो जो नपाना है जो जांच घर में ले जाए कुछ नहीं है, फिर भी मैं 10,000 का प्रोडक्ट खाता हूँ, मैं आरजीजीएल खाता हूँ, साबुन कोकोनट ऑयल जितना भी सामान है वो सब आज वीडियो कॉल करिए, मैं रात में दिखाता हूँ, बताइए हमको किन्हें क्या कहाँ क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत, प्रदेश बढ़ा हुआ है ना, बीपी बढ़ा हुआ है ना, शुगर है ना, गठिया है ना, शरीर फूला हुआ है ना, थायराइड है, कुछ भी नहीं है, प्रिवेंशन के लिए खाइए दोस्त। और 1000 PV 1000 PV डॉक्टर लीम ने क्यों बनाया, आप सोचो ना, बेचने के लिए थोड़ी बनाया, 3000 आप खा नहीं सकते, 450 अरब का शरीर है, 450 अरब का करोड़ का शरीर है, इस पे आप 10,000 का खर्चा नहीं कर सकते, मार मोटरसाइकिल में खर्चा कर रहे हैं, मार घर बनवाने के लिए, मार जमीन खरीदने के लिए, मार फल्ला करने के लिए, मार चिल्ला करने के लिए, ऐसा कौन खर्च, कौन घर में रहिएगा, कौन मोटरसाइकिल पर चलिएगा, कौन फोर व्हील में चलिएगा, बताइए। तो हम तो इसको चिकना चपाटा रखा, हम तो टूटल गाड़ी चलते,
करते नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक है, लेकिन हम क्या ले जाए गाड़ी में वो उतना पैसा लगाने, और आएगा तो और करेंगे, पहले इस पे 10,000 का खाएंगे ना हर महीने, पहले खाइए, ये आपका संपत्ति है, इसको नहीं खाता, ये सबसे बड़ी परेशानी, भर पेट खाइए, दबा दबा के खाइए, आपको 50,000 बोनस आता है, 30,000 बोनस आता है, 5,000 का खाइए, 7,000 कहीं कुछ, कम से कम चाय पत्ती स्पॉर्लिना तो दबा करके पीजिए, आप लोग क्या स्पॉर्लिना खाइएगा, आप लोग पैसा इधर उधर करना है स्पॉर्लिना, क्या पैसा, देखिए सोना किसे खाया जाता है, अभी 1200 रुपया का सामान खोल सब खोल देगा क्या, हम सब खा जाएंगे, अल्लाह ताला ने रिएक्शन देता है, और सभी लोगों का शुक्रिया, मेरे सभी डीएक्शन के जावाज सिपाहियों का शुक्रिया, आपके दम पे यहाँ बोल रहे हैं, आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता, मेरे ये सारे प्यारे मेरे गुरु लोग, मेरे ऑफलाइन नहीं होते तो मैं क्या होता, मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या औकात है, आप बताइए तो क्या मेरी क्या औकात हो सकती है, मैं क्या, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ क्या, हमको तो कोई काम भी नहीं आता, कोई काम नहीं आता, फॉर्म भरते भरते मर जाते, हमको तो लगता है कि कोई कहीं हमको नौकरियों पर नहीं रखता, कुछ नहीं आता है, डीएक्शन बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं, डीएक्शन अगर डीएक्शन के अलावा हमको कोई काम ही नहीं आता, मैं डीएक्शन ज्वाइन किया, दुनिया का सारा काम पढ़ाई लिखाई सारा हुनर ही छोड़ दिया, ये कैरियर है डीएक्शन पे, यहाँ पे पैसा आएगा तो आपका जनरेशन टू जनरेशन का आएगा, पावर ऑफ डीएक्शन को बात करेंगे दोस्त कभी, तो अभी आपको डीएक्शन का फ्यूचर कुछ पता चल रहा है, डीएक्शन क्या कर रही है, डीएक्शन अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने जा रही है, आप लोग मैनेजमेंट के साथ बैठिए, उनकी मीटिंग्स में आइए, बुलाते हैं तो जाइए, वहां पे क्या कर रही है, डीएक्शन दुनिया में 20,000 करोड़ का पहलू का कंपनी हो गया है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, आने वाले टाइम में इसको पब्लिक चलाएगा, और जब पब्लिक हमेशा रहेगी इस दुनिया में और डीएक्शन भी हमेशा रहेगा, तो आपके जनरेशन टू जनरेशन को पैसा आएगा, आपको क्या करना है, खाना है बताना है, लोगों का सिस्टम तैयार कीजिए ना, कोई 500 पीवी कर रहा है कोई नहीं, 3,000 कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, 5,000 कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, 10,000 कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो जितना पीवी आ रहा है तो पैसा उसी से आएगा, खूब खाली सिस्टम बनाते जाइए, टीम न्यू रिक्रूटमेंट करते जाइए, और एक चीज और दोस्त हमेशा याद रखना, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि हसनैन तुम बदल जाएगा, तुम ये हो जाएगा, तुमको घमंड हो जाएगा, तो मेरा एक शेर है कि हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा, ऐसे ही हसनैन को देखिएगा, ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही प्यार करेंगे, सेवा करेंगे, बोलिएगा पैरों दबा देंगे, चाय बना के पिलाएंगे, कॉफी बना के पिलाएंगे, मेरे स्टॉक पॉइंट्स पे लोग आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मैं अपने हाथ से तो सब हैरान हो जाता है, सर बाप रे बाप सब अपने बना के मेरा भाई हो यार, मेरा सिस्टम है, मैं क्या हूँ, मैं आज ने कल मिट्टी में चला, मेरी क्या हस्ती हो सकती है, 60-70 साल की जिंदगी यार मजाक समझ लीजिए, तो जिंदगी को बनाइए दोस्त, क्योंकि आज एक सेकंड बाद कौन रहेगा नहीं रहेगा, आपकी कहानी में बाकी रहेगी, आप प्यार दुनिया में बाकी रहेगा, दुनिया में रहेगा, और मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, यंगस्टर को कहना चाहेंगे, जो भी लड़का लड़कियां आप लोग आइए डीएक्शन में, और डीएक्शन को करिए, दिल से करिए, फॉर्म भरते भरते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, 70 साल की जिंदगी है, 70 सेकंड का गारंटी नहीं है, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, अभी अभी देखिए हम मजा करते हैं, घूमते रहते हैं, सारा फ्रीडम है, जो चाहते हैं वो करते हैं, है ना, तो आप लोग कहाँ कर पाइएगा, है ना, कुछ कर पाइएगा, बताइए, अभी हमको सब कुछ होता है, क्या बताएं, जो चाहते हैं वही करते हैं, जो चाहे अभी वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, हवाई जहाज पे उड़ते हैं, हम तो अभी कंपनी का कोई टूर भी क्वालिफाई नहीं किया, कहीं भी जाते हैं अपना पैसा से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, डीएक्शन देती है, डीएक्शन खूबसूरत सिस्टम है, डीएक्शन देती है, इतना देती है बता नहीं सकते हैं, बताएंगे तो वही हाहास खाएगा, चार को कर्जा वाला भी पहुंच जाएगा पैसा मांगने के लिए हमसे, ये परेशानी है ना, तो ये बता भी नहीं सकते, और मुजफ्फरपुर की धरती बहुत मेरा कर्म भूमि है, जन्म दो लोग यहाँ दोस्त आना नहीं चाहता, कोई लीडर आना नहीं चाहता, अभी बहुत टाइम ही निकल गया, क्या बताएं, बहुत कहानी बतानी थी, तो यहाँ पे लोग आता नहीं था, मैं जब डीएक्शन स्टार्ट किया मीटिंग्स में एक भी आदमी नहीं आता था, मेरे अपलाइन मीटिंग अगर 12 बजे है तो अपलाइन 2 बजे पहुंचते थे, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, शिकायत किस चीज का होता है कि कोई भी चीज नहीं हुआ, आप चोरी नहीं किया, आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो आपका शिकायत हुआ, आपकी इमेज को धूमिल करना, लेकिन वही चीज मेरे साथ हुआ, आप सारे लीडर्स से जाकर के बात करिए, जो भी मुझे आने के लिए तैयार नहीं होते थे लोग, और अकेले मैंने मैं बताऊं, मैं अकेले 30-40 आदमी को जमा करता था, स्पीकर आते थे, मेरा सिंगल ऑफलाइन गया, क्या मैसेज आएगा, कैसे टीम चलेगा, स्टॉक पॉइंट प्रोडक्ट है तो वो नहीं, वो नहीं है तो वो नहीं, तो नागालैंड से आ रहा है, तो दरभंगा से, तो जापान से, तो गोपालगंज से, इंग्लैंड से, फलना जगह से आ रहा है, स्टाफ बैठा हुआ है, नेट नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कैसे सिस्टम बनेगा, तो मैं आज डीएक्शन में जो डिजर्व करता हूँ उस जगह पे नहीं हूँ, मैं जो डिजर्व करता हूँ, मैं जिस लायक, मुझे क्राउन डायमंड होना चाहिए डीएक्शन, और आप लोग मुझे बेचते मेरे फोटो को बेचते, है ना, जो कम आप क्या है, यूनिकनेस बिकता है, कम उम्र का आदमी जो सफल है उसको बेचिए तो लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, अभी बहुत सारे डीएक्शन में, अभिमन्यु सर है, रोशन सर है, बहुत सारे लोग हैं, किनका किनका नाम लिया जाए, है ना, हमारे मित्र फारूक जी हैं,
देखिए उनको बेचिए, उनकी कहानी को बेचिए, उनका उनके साथ मैं काम करता हूँ, उनकी कहानी को मैं जाना, मैं रोने लगा। कितना दर्दनाक कहानी है, इतना पीड़ादायक कहानी है, है ना। तो दो प्रोडक्ट खाइए, अभी आपको क्या बता रहे थे, खाना है दवा, कितना खाए बोलिए, देखिए कितना खाइए, क्या हो गया, सटाक से गया अंदर, बताइए हम बीमार है, हमको खून की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, लकवा मारे हुए है, अपना ये पेट में है, मुंह हुआ है, देह में जान नहीं है। अब ये दोस्त मैं नेपाल मोटरसाइकिल से जाता हूँ, मैं बस मुझे लग जाता है, डीएक्शन बहुत पावर देती है, तो सिर्फ यही नहीं, देखिए 1200 का स्टोना भी आपको खोल दिए, है ना, घर पे सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लोग सोचता है खाने के लिए, मोरंजी मुंह में लगा कैसे गटगट पी लेते हैं। अरे बहुत आदमी हमसे पूछता है कि सर कैसे, बहुत आदमी ये नियम बताता है घोड़ के खोल के, अरे जैसे मानो उल्टा सीधा खाओ नहीं यार, गेनोडर्मा है, संजीवनी पूछी है, गेनोडर्मा माता है, माता ममता में इतना प्यार करती हूँ, आपको इतना प्यार कर गया आपके शरीर को, कुछ कहा दो हिसाब ही नहीं। तो दोस्त यही सब कहानी है, वक्त निकल गया, तो कहने का मतलब है कि मैंने बहुत परेशानियां को झेला, साइकिल स्टार्ट किया, अपने लोगों ने नहीं सुना, अपने लोगों ने मना कर दिया, फिर मैंने अनजान लोगों को बताना चालू किया, ट्रेन में, बस में, एटीएम्स के लाइन में, जहां भी भीड़ देखता था, होटल्स में, जहां भी लोगों के साथ, उनके साथ बात करना चालू किया, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जहां तहां बात करना चालू किया, उस तरह से कर करके आज मेरा पूरा वर्ल्ड वाइड, दुनिया के 11 देश से पैसा आता है, तो आप लोग क्या है, बताइए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, है ना, कि मुझे तीन तरह से रिएक्शन का इनकम आता है, आप लोगों को एक आता होगा या दो आता होगा, क्या आता है, या तो आप स्टॉकिस्ट होगे, बिहार में 120-130 को स्टॉकिस्ट है, तो उनको स्टॉकिस्ट कमीशन आता होगा और मेंबर बोनस आता होगा, तो 120-130 आदमी को हटा लीजिए तो उसके अलावा तीन बोनस किसी का नहीं आता है। मुझे 10 तारीख को तीन को मैसेज आता है, ई वर्ल्ड पर आता है, दुनिया के 11 देश में टीम है, वहां से आता है, हिंदुस्तान का मेंबर बोनस आता है और स्टॉक पॉइंट की कमीशन आता है, और ये स्टॉक पॉइंट तो बहुत अच्छी सर्विस के लिए, स्टॉक पॉइंट के पास ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा, फंस गया, फंसने का मतलब बंद गया, तो मेरा ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंक जाना ये वो बहुत सारी चीज, तो अब इससे भी बहुत फ्री हो रहे हैं, और स्टॉक पॉइंट डीएक्शन में कोई करियर नहीं है, हमेशा याद रखें आपका नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर लाइफ टाइम एसेट, आपका जो टीम है वो आपका हमेशा के लिए संपत्ति है, उसको बनाओ ना, और बनाओ उसको, क्रिएट करो और उसको संभाल करके रखो। अगर दोस्त आपके आपको गरमाना चालू किया, टाइमिंग खत्म हो रहा है, तो बड़ा गजब हो गया, तो क्या नाम है, उसको बना करके रखो, आपके पास बड़ी टीम है, उसको सुला कर, आप देखते हो भारत सरकार के पास फौज है, अगर कहीं पे लड़ाई नहीं हो रहा तो वो उसको ऐसे नहीं रखेगा, सारा कोई ना कोई काम में कुछ ना कुछ अपना हाथी में लगाए रहेगा, आप भी अपनी टीम को लगाए रहो, है ना, बैठा करके रखोगे कहानी खत्म हो जाएगी, जंग लग जाएगा और टीम आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें है, बहुत परेशानी झेले, कोई नहीं सुना, घर से विरोध, अपमान तक हुआ, कोई अपलाइन साथ नहीं दिया, ना मांगने गए ना वो लोग दिए, और ना यहाँ पे वैसा माहौल भी नहीं बना, लेकिन मेरे अपलाइन सभी सम्मानीय है, उनके वजह कर मैं यहाँ हूँ, वो मेरे जन्मदाता है, लेकिन अगर ये शिकायत नहीं है उनका, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई ऑफलाइन साथ नहीं दे रहा है, कोई परिवार साथ नहीं दे रहा है, बाल बच्चे साथ नहीं दे रहा है, घर में सब लोग टॉर्चर करते हैं, अब तो मीटिंग करवा रहे, घर में आपको अगर पति डिएक्शन कर रहा है तो पत्नी टॉर्चर, पत्नी आग लचा बेच के क्या बताएं, पति कर रहा है तो पत्नी, बेटा सब, बेटी सब टॉर्चर करता है, इसीलिए पूरे परिवार का बिजनेस है दो, पूरे मेरा अभी तक मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे अच्छे, आप सोचो तीन तरह की बोनस आती है तो कितना आता होगा, मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो वो कर्जा वाला मांगने के लिए चला है समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब लगा होगा चुप्पे चुप्पे, है ना, सब मिलेगा हमको, फोन करेगा, इतना पैसा दे दे, ये कर वो कर, यार पैसा ऐसे आता है। मुझे आज वो भी दिन याद है जब मैं ट्रेन में घुस जाता था, इस सब में से पानी चूता था, मेरा चप्पल जूता फटा हुआ रहता था, और उसमें मैं वो पन्नीक लगा करके और ट्रेन में चढ़ जाता था, बिना टिकट का ट्रेन से कूद जाता था, ट्रेन में बताने के चक्कर में क्या बताए, टाइमिंग खत्म हो रहा है ना, ठीक से कपड़ा तक नहीं, जेबी में पैसा तक नहीं, कहीं दूर चले गए, प्लान देके आ रहे हैं, स्टेशन पर रुक रहे, 20,000 मच्छर काट रहा है, भन 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 सो नहीं देता था, क्या करे दोस्त। तो ये परेशानी मेरी जो ये बात रही है, ये आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाना है, बार बार जब भी आपको मौका मिलेगा, हम सेवा के लिए ही हैं दोस्त, सेवा करेंगे तो ऊपर वाला मेवा देगा ही, आप भी सेवा करिए,
मेवा मिलेगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डीएक्सएम, यहाँ पे बहुत सारी चीज है। कुछ आपसे जो यंगस्टर है या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ पर्सनल सवाल होंगे, जैसे मेरे साथ सवाल होता है कहीं भी जाते हैं मीटिंग करने तो लोग क्या बोलता है, स्नेहन भोज कब खिला रहा है, चलो इतना भोज खाना है खाओ, चलो बिरयानी खिलाते हैं, जो खाना है खाओ, नहीं वो भोज नहीं वो वाला भोज वो वाला भोज क्या रहा यार, शादी कब कर रहा। तो आपको अगर बोले कि शादी कब कर रहा है तो हम अभी क्या बोलते हैं, अगर शादी की जगह फंस जाइए काम ही नहीं होगा, पैसा आ जाएगी, किन्ने टॉर्चर होने ससुराल होने शादी में होने ये वो सारा टेंगुआ आपका बर्बाद। अगर बढ़िया नहीं मिले, अगर घर में झगड़ा हुआ तो बस उसी में सलटने में आपका डिएक्शन चिकन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा तो पर्द क्या था, क्राउन एम्बेसडर का, लेकिन अब थोड़ा कम करना पड़ेगा कि वो उम्र बढ़ रही है, तो मैंने क्राउन डायमंड जब तक मैं नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। आप भी ऐसा पढ़ लीजिए कुछ भी, है ना। और दूसरा चीज क्या है कि जब भी आप फील्ड में निकलेंगे तो तानाएं सुनना पड़ेगा, उस ताने को आप बर्दाश्त करिएगा, है ना, क्योंकि वो लगता नहीं ज्यादा हो जाता है, इतना दर्द हुआ, फिर नए जगह पे निकलिए। और तीन गलती हर आदमी डीएक्शन में करता है, मैं भी किया हूँ, अभी बताने के बाद आप भी करेंगे। तीन आदमी डीएक्शन में नहीं सुनता है दोस्त। मनोरंजन सर 5-10 मिनट और बढ़ा सकते हैं क्या, 5 मिनट टाइम लेना चाह रहे हैं। ओके, आप 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या खत्म कर दें, 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनोरंजन सर जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी, तीन गलती हर आदमी करता है, मैं भी किया हूँ। ठीक है सर, 5 मिनट में कर लेते हैं। तीन गलती मैं भी किया हूँ, आप भी करेंगे, मना करने के बाद भी करेंगे, लेकिन दोस्त छोड़ के मत भागिएगा ये सर, मेरा आपसे बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, बहुत जानदार प्लेटफॉर्म, इसे आपकी पूरी जनरेशन को बदल देगा। वक्त लगता है दोस्त, 10-10 साल लगेगा, 15-15 साल लगेगा, 20-20 साल लगेगा, कीजिए, बात कीजिए लोगों से, कुछ नहीं लगता है देह में, है ना। और आप बनेंगे, आपका भी लोग फोटो देखेगा, आपको भी। अरे हम क्या है, मेरे से ज्यादा सफल लोग हैं बिहार में, दीदी लोग, महिलाएं लोग, माताएं लोग, बहन लोग, अंकल लोग, चाचे लोग, लेकिन बेचारे वो थोड़ा सा बदकिस्मती से बोल नहीं सकते हैं थोड़ा इस तरह से, है ना। लेकिन वो ज्यादा कोई डायमंड है, बहुत बहुत पैसा कमाया है, बहुत अचीवमेंट है, बहुत संघर्ष किया है, तो उनसे आप जा करके मिलिए, उनकी कहानी को सुनिए, तो सब लोग है, है ना। तो क्या बता रहे थे, तीन गलती टॉपिक में चेंज हो जाता है, बोलना भी इतना ना अंदर भरा। पहले मीटिंग में जाते थे तो सोचते थे क्या बोले, कुछ याद ना आता, सारा डटे गायब हो जाते, अब सोचते हैं काका बोले, इतना ना है काका बोले, एक घंटा का टाइम है तो बहुत कुछ सिखाना है। आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त और आपका पड़ोसी, ये तीन आदमी नहीं सुनेगा, लेकिन आप उसके पास जाएंगे, जाइए एक बार ट्राई कर लीजिए, सुन लिया बहुत आप खुशकिस्मत है, नहीं सुनेंगे, अनजान लोग आपके सिस्टम में आएंगे, नहीं तो जो भी आपके रिलेटिव या जान पहचान वाले, चलाकी कीजिए, आपको बहुत कुछ सिखाया नहीं जा सकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कि आदमी कितना दिन में भाग जाएगा डीएक्सएम, तो उसके जरिए उसका आदमी, क्योंकि आप गांव में जाएंगे आपको 10-20 आदमी क्या होगा मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट ले लीजिए, वो अनजान लोग लगेंगे और ये आदमी आपका भाग जाएगा। उन लोगों को पकड़िए, बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग दिखाइए उनको, जब तक बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग नहीं दिखाइएगा, सक्सेसफुल लोगों को नहीं दिखाइएगा, तब तक आप अचीवर नहीं हो सकते हैं। और दोस्त घबराओ नहीं, हम सीनियर स्टार डायमंड है तो वो मेरा टीम की काबिलियत है, मैं तो सिस्टम में हूँ, ज्वाइन किया, मीटिंग किया, सब भर गया, तो मेरा तो 2 ही लाइन में डायमंड हुआ ना, अभी 7-8 साल का सफर गुजर गया, 2 लाइन में डायमंड हुआ है, 20 लाइन में डायमंड बनना है। आप लोग कहते हैं कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं समझता है, पूरा रोना रोने लगता है, कुछ रोना रोने की जरूरत नहीं है, मेरा भी नहीं सुनता है लोग, तो क्या करे, रिएक्शन छोड़ दे, का नहीं सुनता है उसी को तो सुनाना है, उसी का तो पैसा मिलता है ना, आपको किस बात की पैसा मिलता है, आप किस काम के लीडर है ना। को आदमी डीएक्शन में ऐसा है जो गया कहीं भी और उसको क्या नाम है वो बोला कि आप बोला और ले लिया और जुड़ गया, ऐसा कहीं नहीं होता और कभी भी नहीं होगा, परेशानी। अभी बिहार में आप देखिए, एक महिला क्या कर सकती है, डीएक्शन में लड़कियां आती हैं उनको विरोध किया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, यंगस्टर को, माताएं बहने को हमको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये अरे यार ये पारिवारिक बिजनेस है, यहाँ पे हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग माता पिता की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, इससे बड़ा परिवार और सुरक्षित परिवार तो धरती पे कहीं नहीं, क्या बात करेगा, अभाषण करता है, बहुत सम्मानीय प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, इधर उधर आदमी क्या क्या करता है, ये सम्मानीय प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इतना इज्जत सम्मान दिया जाता है, लोग मजाक उड़ा लिए हुए हैं। डीएक्शन तो आपके जनरेशन टू जनरेशन को बदल के रख देगा दोस्त, है ना, और सब कुछ आप यहाँ से पाएंगे, सारे सपने को आप पूरा कर सकते हैं। और एक क्या नाम है, शेर
बोलना चाहेंगे आपको कि ये शहर जालिमों का है साहब, जरा यहाँ संभल कर चलना, यहाँ लोग सीने से लगाकर दिल निकाल लिया करते हैं, तो बहुत सही से आपको रहना पड़ेगा। कुछ मीठे मीठे बात करने वाले लोग ही खंचर मारेंगे, आपके आस्तीन में सांप होंगे। मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे थे जो साथे रह करके कभी वो कंपनी में कभी वो कंपनी में तेल बेल कर करके यार जिंदगी बर्बाद कर लेता है। वक्त की कदर करो दोस्त, वक्त समय बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है, वक्त के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लगभग एक टाइम खत्म हो गया, बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ बताना था तो चलिए अब क्या करें, टाइम खत्म हो गया बहुत कुछ, घबराइएगा नहीं, हम हैं और पहली बार मीटिंग थी, थोड़ा और बढ़िया से हमको बताना चाहिए था, थोड़ा टॉपिक बनाना चाहिए था, लेकिन अभी हम भी सीखते हैं, आपके बच्चे ही हैं, है ना। और फिजिकली मीटिंग होगी, वर्कशॉप मीटिंग होगी तो उसमें बताएंगे। बहुत दर्दनाक कहानी रही है दोस्त, कहानी को हम नहीं बता पाए क्योंकि रो देते आप। मुझे खाने तक का पैसा नहीं था, मेरा साइकिल पंचर हो जाता था तो पंचर सटाने का पैसा नहीं था, मुझे ढेसान को ऑफिस में बैठने तक नहीं दिया जाता था, मुझे वहाँ पंखा नहीं चलाने दिया जाता था, भगा दिया जाता था, कोई लीडर प्लान देता था वहाँ पे तो हटा देता था हमको, है ना। बहुत चीज था, है ना, लेकिन वो नहीं। और दूसरा चीज, सब लोग पूरे परिवार के साथ कीजिए, और खास करके दीदी लोग सबसे ज्यादा डीएक्शन में सफल है, और आप लोगों के लिए धर्मशिला में प्रेरणा स्रोत है, और पूरी बिहार में और हिंदुस्तान में, कहाँ 6-7 को तो प्रॉब्लम बेचना ही है, सबका थोड़ी सुनता है। आप कहते हैं मेरा नहीं सुनता, मेरा नहीं सुनता, कोई सुनिए, तुम सुन रही है, तुम सुन रहा है, जल्दी सुनता ही नहीं। सुनो, वक्त की, वक्त को बर्बाद नहीं करो, अपलाइन की कदर करो, अपलाइन अगर वैसे नहीं है गुरु बनाओ उनके अपलाइन को, कोई भी, और किसी का शिकायत मत करो, उसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, तुम लोग तुम्हारे नाम को बदनाम करेंगे। कुछ नहीं करना है, कंपनी दे रही है ना, हम आके दे रहे हैं ना, इतना करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर सब लोग तो है ना, सब दे रहे हैं ना, सब सिखा रहे हैं ना, तो सब लोग वैसे नहीं होते, सब लोग प्यार करेंगे, सब हर आदमी वैसा ही थोड़ी होता, तो यही सब चीज है। तो बहुत चीज है, और क्या नाम है, महिला और जेंट्स में, अभी इस पे बहुत अच्छा हमको बताना था लेकिन वक्त खत्म हो गया। महिलाएं और जेंट्स में दो फर्क है, जेंट्स जो है ना मर्द वो लापरवाह होता है, महिलाएं लापरवाह नहीं होती, लेकिन महिलाएं जल्दी सुन, अगर वो सुन ले तो फिर किसी का नहीं सुनेंगे, इससे महिलाओं को टीम में लाइए। दूसरा चीज, 2 मिनट सर खत्म कर रहा है, चीज बताए थे बहुत फास्ट में, कहा बहुत इंस्पिरेशन, याद रखिएगा टीम में बताइएगा। कुकर आपने कोई सुनता नहीं, कुकर कंपनी को देखें, उन्होंने जब कुकर बनाया देखा लेडीज का आइटम है, लेडीज जल्दी सुनती नहीं है तो उन्होंने उसमें सीटी बार लगाया। अब महिलाएं क्या करेंगी, कुकर गैस पे चढ़ा करके दाल जो भी उसको बनाना रहेगा चढ़ा करके और बंद करके क्या करेगी, निकल जाएगी बाहर में, अपना कुछ बच्चे को खिलाएगी, कपड़ा धो लेगी, घर साफ कर, जो भी उसका कुछ काम है वो करने लगेगी। थोड़ा देर बाद कुकर सीटी देगा, वो नहीं सुनेगी, इग्नोर कर देगी, फिर क्या होगी, वो अपने काम में बिजी रहेगी। फिर थोड़ा देर बाद कुकर सीटी देगा, फिर वो काम इम्पोर्टेंट काम हो, बच्चा खिला रही हो, कुछ भी कर रही हो, सबको छोड़ छाड़ के जल्दी से आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर तीसरी बार नहीं गए तो कुकर ब्लास्ट कर सकता है, गैस में भरेगा, फटेगा, बड़ा नुकसान हो सकता है, आग लग सकता है, पूरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो महिलाएं सुनी कितनी बार में, 3 बार में, दीदी लोग सुनिए, तो जब आप 3 बार में सुने तो 3 बार कम से कम एक महिला को मीटिंग में लाना है, 3 बार से पहले सुनते नहीं करेगा, है ना। अब आएगी नहीं तो उसको पकड़ करके टेम्पो में बैठा करके मोटरसाइकिल पर बैठा, कसम हो जो देखिए कि किनका बात इनको लग जाए। खासकर महिलाएं की मीटिंग चल रही है, अगर यंगस्टर की चल रही है, मेरी चल रही है, रोशन सर हो गए, क्या नाम है, अभिमन्यु सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, जो भी यंगस्टर लीडर है, अब किनका नाम लिया जाए नहीं लिया जाए, उन लोग में लिया ही है। और फार्म मत भरो दोस्त, मैं फार्म भरते रहता तो आज वही फार्म भरता ही रह जाता, आज मुझे 1 लाख रुपया आता है, कोई सुनना नहीं है ना, सोचो इतना को लेकर 1 लाख रुपया था, समझ जाइए एक्शन से। और मेरी जिंदगी मौत अल्लाह के जिम्मे है, कब कौन चला जाएगा, मैं चला भी जाऊंगा तो ये पैसा बंद नहीं होगा। और डीएक्सएन मलेशिया के स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होने जा रहा है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, कभी बंद नहीं होने वाला है। और हमको तो डर है आने वाले टाइम में, अच्छा जितने भी लोग है जल्दी जल्दी उनको ज्वाइनिंग कराइए, क्योंकि हो सकता है डीएक्सएन के साइट पे लोड पड़ रहा है, बहुत छप्पा छाप सब ज्वाइनिंग हो जा रहा है, बहुत लोग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि वो लोग जो है कंपनी मेट्रिक का सर्टिफिकेट मांग देगा आने वाले टाइम में। अभी बाप रे भाई सबका पढ़ाई होने जा रहा है, हम डीएक्सएन में एक चीज समझ लीजिए, आईडी लग गया, जन्म जन्म का नाता है तुम्हारा हमारा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आईडी एक बार लगा लीजिए तो फिर कोई डॉक्टर लिंग भी खत्म नहीं कर सकते,
वो भी अपने हैंड में पावर नहीं रखते हैं, नहीं तो कंपनी की बदनामी होगी, केस हो जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी बातें होंगी, किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। खाली जिंदगी में दो गलती नहीं करना, किसी भी कंपनी में आईडी लगा करके डीएसओ को बदनाम नहीं करना, उसमें बहुत प्रक्रिया होगी, क्या नाम है, पूरा प्रूफ लगा होगा करके, उसमें भी टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कई मान लीजिए, लेकिन आईडी उडी टर्मिनेट डीएसओ में नहीं होता, ये हमेशा के लिए आपका है। बहुत बड़ा करियर है यहाँ पे, मान है, सम्मान है, इज्जत है, सूरत है, जो चाहे पा सकते हैं, हवाई जहाज तोड़ सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं और टिकाऊ करियर का पैसा कमा सकते हैं। अरे लोग तो जमीन अपने बच्चे को देने के चक्कर में है, घर डीएसओ का आईडी दो ना, अपने बच्चे को अगर देना है तो वो हमेशा याद रखेगा, और अपने बच्चे को तो दो, अगर चचेरे भाई मेरी सेवा करो, मैं आपका चचेरा भाई हूँ, मैं किसी के टीम में नहीं हूँ, है ना, तो मेरी भी सेवा करो, मेरी भी टीम में, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, ये दुआ मिलेगा आपको, ये आपको दुनिया में जिंदा रखेगा, क्योंकि आप 60 साल 70 साल से ज्यादा रहने वाले नहीं है, तो आप प्यार बांटिए, आपकी प्यार जिंदा रहेगी। और मेरे गुरु जी को देख लीजिए, मेरे गुरु जी ने मुझे कितना सिखाया है, मैं उनका रूप से नहीं आता हूँ, और इतना मान सम्मान, सब लोग हम सबके प्यारे हैं, सबके दुलार हैं, सबके चाहते हैं, सब मानते हैं, सब प्यार करते हैं, सब दुलार करते हैं, छोटा सब बच्चा है, सबका जन्ने जाते हैं, सब खिलाते रहते हैं, सब हंसी मजाक करते रहते हैं सबको। और फिर रंजन सर का भी धन्यवाद, फिर रंजन सर पता नहीं, वो हमारे बड़े भाई की तरह और दोस्त भी हैं, थोड़ा सा जानते ही हैं, बोलते कम है, हमको थोड़ा कंप्यूटर बनाने नहीं आता, हमको थोड़ा प्रेजेंटेशन फाइल सब उनको कई बार बोले, अगर सर आप सुन रहे हैं या किसी के माध्यम से सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, थोड़ा अगली बार आएंगे तो स्लाइड बाई स्लाइड रहेगा तो बोलने में मजा आएगा, फिजिकली कभी मीटिंग लेंगे तो आइए, बहुत कुछ सिखाएंगे, डीएसएन छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, इतनी परेशानियां, शायद दो चार पांच लोगों को, फिरोज सर, मंजू मैम, फारूक सर, महुआ वाले फारूक सर की कहानी आप सुनिए, बाप रे बाप, अरे 8 7 8 बाल बच्चा, बाप रे टाइम ही खत्म हो गया, सब की कहानी को सुनिए और उसको याद रखिए, वो आपको विल पावर देगा, वो आपको मजबूत करेगा, अरे ये लोग कर रहे हैं, इतनी परेशानी को झेल के कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, तो बातें बहुत सारी है, बहुत सारी चीज कर सकते हैं और करना था, लेकिन यहीं पे अपनी बातों को खत्म करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने बातों को विराम करेंगे, आप सभी का धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, हम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, और मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग लीडर्स बोलते हैं करते नहीं है, थोड़ा खराब को लग जाएगा, मेरे व्यवहार, मैं जो बोलूंगा मेरे व्यवहार में दिखा, आप आइए, आपको हम प्यार करेंगे, आप आइए, हम आपको सेवा करेंगे, अपने पैसा से आपको खिदमत करेंगे, है ना, तो आप भी करिए दोस्त, कोई बात नहीं है, वो लगाइएगा आपको निकलेगा, और डीएक्शन परिवार है, पूरा परिवार की आप सेवा करिए, इसमें ये ना देखिए क्रॉस लाइन द किला, इस सिस्टम को बढ़ाइए, डीएक्शन को इतिहास बनाना है, डीएक्शन को इतिहास में लेकर के जाना है, और ये सब कुछ देने वाला है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने बात को विराम करेंगे, इतनी देर में कोई ऐसा लफ्ज निकला हो जिससे किसी भी आदमी को तकलीफ पहुंचती है, माफ करिएगा, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, आप बड़े हैं हमसे और हम बच्चे हैं, बोलने में किसी हरकत में कहीं कुछ कमियां रह गई होगी, और बहुत कुछ देना चाह रहे थे, अब मीटिंग गरमाए थे, बहुत कुछ बताना था, लेकिन वक्त खत्म हो गई, फिर वक्त मिलेगी, हम भी ग्रोइंग लीडर है, कोई हम भी बहुत सफल लीडर नहीं है, है ना, हम भी ग्रोइंग लीडर है, हमको भी बहुत अभी मेहनत करना है, ब्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना है, और न्यू रिक्रूटमेंट कभी भी बंद नहीं कीजिए, बहुत सारे लीडर्स को देख रहे हैं वो न्यू ज्वाइनिंग बंद कर देते हैं, रिक्रूटमेंट बंद कर देते हैं, ज्वाइनिंग कभी भी आप क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी काम करिए, आप ज्वाइनिंग कीजिए, अगर आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, अपने टीम से ज्वाइनिंग निकालिए, क्योंकि आपने देखा है जियो का सिम बेचना बंद कर दिया, कितना 40-50 करोड़ कस्टमर है, एयरटेल ने सिम बेचना बंद कर दिया, 40 करोड़ कस्टमर है, आइडिया ने सिम बेचना बंद कर दिया क्या, नहीं वो आज भी सिम बेच रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो आपको हमको भी करना है ना, तो डीएक्शन को हर हाल में करना है, यहाँ पर आइएगा मीटिंग में कह देगा आपको फ्रीडम मिल जाए, अरे फ्रीडम तो है, 300 दिन थोड़े काम करना है, फ्रीडम तो है, आप 4 दिन घर बैठ जाइए दिमाग खराब हो जाएगा, काटने दौड़ेगा, मन ही नहीं लगेगा, तो यहाँ मान सम्मान माला, जिंदगी में 2 ही बार आदमी को माला मिलता है, एक जयमाला के वक्त, एक मरने के वक्त, उसके अलावा कहीं माला मिला है क्या, डीएक्शन में डेली माला मिलेगा, ये काम अच्छा नहीं लगता है, लाखों रुपया आएगा, मान सम्मान पहचान बढ़ेगी, और मेरा सपना पूरा हो गया, मैं चाहता था दोस्त टीवी पे आऊँ, आज टीवी पे हूँ और लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अस्मैन जी, आपके स्टोरी से पूरा ये समझ में आता है कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं और इस चैलेंजेस को फेस करने के बाद आपने एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, यह आपके सारे आपके डाउनलाइन के लिए और सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है, लोगों के लिए सर, उम्मीद करता हूं आगे से आपसे, समय आज कम के वजह से आपको सारे जो डिटेल्स आप बता नहीं पाए, उम्मीद करता हूं आगे से आपको ये सेशन दोबारा हमें सुनने के लिए मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।
दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।